मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। खबर 24 एक्सप्रेस की खबर का हुआ असर, सौसर में रेमंड वुलन कंपनी के मजदूरों की मांग हुई पूरी, मजदूरों ने मीडिया एवं प्रशासन का किया धन्यवाद। ठेका मजदूरों की एकता के सामने झुका रेमंड कंपनी का ठेकेदार, सौसर SDM ने तत्काल मामले में लिया संज्ञान। सालों से काम कर रहे रेमंड कंपनी में ठेका मजदूरों को अब मिलेगा सही रेट, श्रम अधिकारी के नोटशीट पर हुआ समझौता। अपनी मांगों को लेकर मजदूरों ने किया हुआ था काम बंद, अब मांगे पूरी होने के बाद वापस लौटेंगे काम पर। अन्य कंपनियों में अब भी हो रहा है मजदूरों का शोषण, औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों का होता है शोषण, मजदूरों की मजबूरी और गरीबी का फायदा उठा रही औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियां। नामी ग्रामी रेमंड कंपनी में ठेकेदार कर रहे मजदूरों का शोषण, रेमंड कंपनी का ठेकेदार दिखा रहा था कलेक्टर के न्यूनतम वेतन मान को ठेंगा, मजदूरों की गाढ़ी मेहनत की कमाई पर ठेकेदार डाल रहा था डाका। जब नामी ग्रामी रेमंड कंपनी के ठेकेदार का यह हाल है तो अन्य कंपनियों में क्या हाल हो रहा होगा। रेमंड कंपनी के ठेकेदार के शोषण से तंग आकर सौसर SDM को व्यथा सुनाने पहुंचे थे मजदूर, मजदूर हित में काम करने वाले संगठन की भूमिका भी संदिग्ध। सौसर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धीरज सिंह चंदेल के साथ ओम ठाकुर की रिपोर्ट। सौसर के औद्योगिक क्षेत्र में 80 से 100 छोटी बड़ी कंपनियां संचालित हो रही हैं। इन अधिकांश कंपनियों में ठेका पद्धति पर मजदूरों से काम लिया जाता है। कंपनियों में मजबूर मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाने से ठेकेदार जरा भी नहीं चूकते हैं। साथ ही यहां पर न तो मजदूरों की सुरक्षा मापदंडों का पालन होता है और न ही मजदूरों को कलेक्टर द्वारा निर्धारित वेतन मान दिया जाता है। ऐसे में मजदूरों से 12 से 15 घंटे काम लेकर उनका शारीरिक व मानसिक रूप से ठेकेदारों द्वारा शोषण किया जा रहा है। वहीं सौसर SDM सिद्धार्थ पटेल को रेमंड कंपनी के ठेका मजदूरों ने ठेकेदार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा, जिसमें कलेक्टर रेट व मजदूरों के सुरक्षा मापदंडों की मांग की गई। वहीं मजदूरों के हित में काम कर रहे श्रम विभाग के अधिकारी व मजदूरों के हित में काम करने का दम भरने वाले संगठनों की कंपनी मालिकों के साथ साठगांठ के चलते मजदूरों का शोषण होने की बातें भी सामने आ रही है। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि मजबूर मजदूर के खून पसीने की कमाई पर कंपनी मालिक व ठेकेदार यूं ही डाका डालते रहेंगे या मजदूरों को न्याय मिलेगा, यह विचारणीय है। उक्त मामले में महज 2 से 3 दिन के भीतर सौसर SDM सिद्धार्थ पटेल ने संज्ञान में लेते हुए श्रम विभाग को मामला भेजा, जहां अब रेमंड कंपनी के ठेकेदार जितेंद्र चौधरी, राघवेंद्र सिंह व ठेका मजदूरों के बीच समझौता हुआ है, जिसमें ठेका मजदूरों को कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन 378 रुपये दिए जाने व किसी भी कर्मचारी को न निकालने की बात पर सहमति बनी। वहीं अब केवल एक रेमंड जैसी जानी मानी कंपनी में यह समझौता हुआ है। इस समझौते से औद्योगिक क्षेत्र में संचालित अन्य लगभग 70 से 80 कंपनियों के मजदूरों की भी आस जग गई है कि उन्हें भी कलेक्टर रेट से मजदूरी मिलेगी। बताइए, आज रेमंड वुलन जिसमें ठेका पद्धति के रूप में समस्त कामगार वहाँ कार्यरत हैं, जिनको कलेक्टर रेट से पेमेंट नहीं दिया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था, जिसको लेकर के 3 दिन से लगातार यहाँ इन लोगों आंदोलनरत है। हमने 3 दिन पूर्व SDM साहब को संज्ञान में ये ज्ञापन सौंपा था, जिनमें उन्होंने तत्परता दिखाते हुए इस मामले को गंभीरता से लिया। साथ ही प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, मीडिया लोगों ने भी अच्छा एक प्रतिसाद दिया, जिसके कारण आज श्रम विभाग छिंदवाड़ा में श्रम पदाधिकारी द्वारा जो वेतन है, जो कलेक्टर रेट है 376 रुपये, इस रेट से इन लोगों को पेमेंट देने का आज वहाँ समझौता हुआ। 378। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें उसमें क्लियर की गई कि मजदूरों को निकालेंगे नहीं निकालेंगे? उसमें क्लियर ये किया गया, उसमें पॉइंट भी लिखा हुआ है कि किसी मजदूर को कंपनी में इसके बाद न उस पर दबाव डाला जाएगा, न उसको परेशान किया जाएगा, न उसको नौकरी से बाहर निकाला जाएगा, ये समझौता उसमें है। इसी के साथ में हम ये अपील सभी AKVN क्षेत्र बोरगांव के सभी कंपनियों के मज़दूरों को ये अपील करना चाहते हैं कि आप हिम्मत से आगे बढ़े। हिम्मत से आगे बढ़ने पर किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार का नहीं होता। सभी मजदूरों को, जो भी शोषित है, जो कंपनियों में शोषित मजदूर है, आज से उन मजदूरों की लड़ाई हम जारी रखेंगे, आगे भविष्य में उनकी मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम है? पंकज ठाकुर। कौन से कंपनी में काम करते हैं आप लोग? मैं रेमंड कंपनी में ठेकेदारी में काम करता हूँ। अच्छा, अभी तक हम सभी लोगों को कम से कम मजदूरी दी जाती थी। अच्छा, मगर आज SDM साहब और श्रम अधिकारी इन लोगों के कारण हमको कलेक्टर रेट दिया जा रहा है, जिससे जिनका मैं आभारी हूँ और सभी मीडिया का भी आभारी हूँ और सभी जो
कंपनियों में शोषण चल रहा है, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वह अभी सामने आए और उनका सपोर्ट हम करेंगे। अच्छा, अभी तक आप लोग कितने पैसे मिलते थे? हमको अलग अलग इसमें जैसे किसी को 320, 290, 270 और कलेक्टर रेट क्या था? कलेक्टर 378। अच्छा, तो अभी 378 रुपये देंगे क्या? उनसे बात हुई क्या? उनसे पूरी बात हो गई है, समझौता हो गया है। श्रम अधिकारी साहब ने भी बोला है कि 378 लिखित दिया है और उन्होंने साथ ही ये बोला है कि किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं करेगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रशांत इंद्र। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना व खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।